हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं देसी डॉग चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई डॉग है, अक्सर लोग कहते हैं कि भी हम हमारे डॉग को बाहर घुमाने लेके जाते हैं तो सुबह शाम उसको, तो क्या होता है कि वो दूसरे लोगों पर एग्रेसिव होता है और लोगों के ऊपर झपट्टा मारता है, चाहे लोग है, चाहे कोई डॉग है, चाहे कोई गाय है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, कोई और है, उनके ऊपर झपट्टा मारता है, एग्रेसिव होता है, तो किस कारण से होता है, तो कारण मैं आज आपको दिखाऊंगा लाइव इस वीडियो के अंदर। हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार पहुंचे हो तो सब्सक्राइब कर लो एक बार और जो घंटी है उसको जरूर दबा लो ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये मान लीजिए ये जोगी है जो मेरा डॉग है, इसको आप सभी जानते हैं। तो साथियों ये जो जोगी है मेरा डॉग, इसको आप सभी जानते हैं, आपको अक्सर मैं दिखाता रहता हूँ वीडियो के अंदर, ये डॉग आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं मतलब बदमाश तो ये भी बहुत है, आप सबको पता है, लेकिन मतलब किसी दूसरे पर एग्रेसिव ना हो। पहले ये भी दूसरों जो डॉग थे, लोग थे जिनको देखता था, उन पर ये एग्रेसिव हो जाता था बहुत जल्दी। तो मतलब इसकी मैंने जो आदत है वो कैसे छुटाई, किस तरीके से छुटाई, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक कर दो। तो दोस्तों हम बातचीत करेंगे। तो मतलब ये चैन है हमारे डॉग की, इस चैन को आप पकड़ के रखोगे। सबसे पहले मतलब आप चैन को इस तरीके से पकड़ते हो, चैन को पकड़ने का ऑप्शन आता है, इस तरीके से आता है, और आप डॉग को लेकर निकलते हो तो वापस साथ साथ चलता है। तो साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि चलने के साथ साथ उसको और आपको क्या करना चाहिए। मतलब कई कई बार होता है जो हम अपने डॉग को लेकर जाते हैं तो हम उसकी चैन पकड़ी उसको ऐसे 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 करते हैं, समझ रहे हो आप, ऐसे 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 करते हैं तो डॉग हमारा एग्रेसिव होता है। और अक्सर मैं आपको बताऊँ चैन को ढीला रखना है आपको इस तरीके से। अगर चैन को आप ढीला रखोगे इस तरीके से और फिर उसको उसके साथ चलोगे आप तो वह एग्रेसिव नहीं होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कोई गाय या कोई कुत्ता या कोई मतलब बिल्ली वगैरह या कोई अलग मतलब इंसान दिख जाए, मतलब हमको ऐसा लगे कि इस पर ही एग्रेसिव होगा भाई, तो हम क्या करते हैं डॉग को ऐसे खींच कर पकड़ देते हैं। तो उसके बाद वो एग्रेसिव होता है डॉग, मतलब सोचता है, उसके दिमाग में सवाल आता है कि भाई मतलब मेरा मालिक है जो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब फिर वो समझेगा कि ये मतलब इसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये समझेगा हमारा डॉग। तो मतलब बात मेन बात यह है कि हम उसको पकड़ के ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर उसके दबाव पड़ेगा, यहाँ पर इस जगह दबाव पड़ेगा, यहाँ से दबाव होगा, तो मतलब फिर डॉग ये सोचेगा कि मुझे इसके पीछे लगा रहा है और मुझे मतलब ये कह रहा है कि इसके पीछे भागो, फिर चाहे कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, कोई भी हो, उनके वो पीछे भागेगा। और उसके बाद ये दिक्कत होगी, तो मैं आपको बताऊँ तो आपको चैन को ऐसे नहीं रखना है, चैन को कभी भी ऐसे खींच कर नहीं रखना है आपको, कभी भी नहीं रखना है चैन को, हमेशा आप रखो तो इस तरीके से रखना है चैन को ढीला। गलत है, इस तरीके से आप अपने चैन को रखोगे तो सही होगा। और ये जो डॉग है मेरे वाला जोगी, ये बहुत अच्छा फ्रेंडली डॉग है और आप सभी इसके बारे में जानते रहते हैं, मैं आप सभी को बताता रहता हूँ, बहुत फ्रेंडली है, देख सकते हैं, ये देखें बहुत प्यारा डॉग और बहुत अच्छा फ्रेंडली डॉग भी है, और इसका नाम मैंने प्यार से जोगी भी रखा है, सबको पता है, तो देखें बहुत अच्छा डॉग है जोगी। और अगर आप भी अपना डॉग को इस तरीके से बनाना चाहते हैं, फ्रेंडली रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से कीजिए, आपका डॉग अच्छा होगा और आपकी जो बातें हैं वो भी मानेगा। और देखो बहुत अच्छा बदमाश है, सारे बदमाशी तो करता है क्योंकि खेलना भी जरूरी है, इससे खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, खेलना भी जरूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है, खेलना भी चाहिए और चीज़ों को अच्छा भी रखना चाहिए। तो मेरी यही चीज़ बता रही थी आपको, चैन को कभी खींच के मत रखें, जिनको चैन है उसको ढीला रखें, और चैन को खींचोगे तो डॉग एग्रेसिव होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको एग्रेसिव नहीं होने देना है, चैन को ढीला रखना है ताकि वो सबके साथ फ्रेंडली नेचर से रहे। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो, और देसी डॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, धन्यवाद।